प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर उन्हें याद किया। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा माहौल में दुनिया के सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इंदौर सामेर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में आम सभा को संबोधित करते हुए ज्योतिराज सिंधिया पर जमकर जुबानी प्रहार किए। दिग्विजय ने कहा कि सिंधिया कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उस सरकार में 6 मंत्री उनके अपने ही लोग थे जो आज भाजपा में शामिल हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सियासी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। भिंड जिले के भारोली और रौन क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के समर्थन में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। मरवाही विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के प्रचार अपने चरम पर है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। अपने 3 दिन के दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मरवाही के दूरस्थ गांव बस्ती बगरा और दानीकुंड में सभा को संबोधित किया। यहां भी लोगों की भारी भीड़ को देखकर मुख्यमंत्री उत्साहित और जीत के प्रति आश्वस्त थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत 2 दिवसीय कोरिया जिले के दौरे पर रहे। शुक्रवार को चरणदास महंत मनेन्द्रगढ़ में ऊंची पहाड़ी पर स्थित सिद्ध बाबा धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर परिसर का अवलोकन किया और धाम को पर्यटन केंद्र के रूप में बनाए जाने की बात कही। आम आदमी पार्टी के सीवाईएसएस के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने बताया कि प्रदेश के 60 से 70 लाख नौजवान सोशल मीडिया के जरिए सरकार से नौकरी के लिए गुहार लगा रहे हैं। सभी बड़ी यूनिवर्सिटी में छात्रों से फीस के नाम पर वसूली हो रही है, स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर सांसद संजय सिंह बेरोजगार छात्रों से वर्चुअल मीटिंग करेंगे। धार्मिक कक्षी में शासकीय महाविद्यालय में सीट बढ़ाए जाने को लेकर छात्र छात्राओं ने कुलपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। छात्र छात्राओं का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को कम सीटों के कारण प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। जल्द ही कॉलेज में सीट नहीं बढ़ाई जाती है तो छात्र छात्राएं उग्र आंदोलन करेंगे। रायगढ़ के खरसिया में एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस ने जुए की फड़ पर दबिश दी। मौके से पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने इनके पास से करीब 82,000 रुपए नकद बरामद किए। इंदिरा गांधी के शहीद दिवस पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने पीसीसी में इंदिरा जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चुनाव आयोग के स्टार प्रचार की सूची से हटाने वाले फैसले पर कमलनाथ ने कहा, स्टार प्रचारक ना कोई कद है और ना कोई पद। उन्होंने कहा कि मैं अभी आयोग पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, हम 10 तारीख के बाद बात करेंगे। मरवाही उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, जहां इस बीच पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और जोगी कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह की मरवाही में मुलाकात हुई। दोनों ने इसे राजनीतिक मुलाकात बताया। वही रमन सिंह ने कहा कि मरवाही की जनता का मूड बदला सा लग रहा है और कांग्रेस को इसका भय सता रहा है। इंदौर के द्वारकीपुर थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ विवाद सामने आया। गुरुशंकर नगर में बिजली विभाग की टीम बकायेदारों के कनेक्शन काटने गई थी, जहां इस बीच नाराज रहवासियों ने बिजली कर्मचारियों पर ही पत्थरों से हमला कर दिया। इसमें कई कर्मचारी चोटिल हो गए। मध्य प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने चना बीज पर दी जा रही सब्सिडी के अग्रिम भुगतान के आदेश दिए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद अब छोटे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके पास पूंजी पहुंच पाएगी। रायगढ़ शहर में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक डिलीवरी बॉय से कुछ अज्ञात 4 बदमाशों ने चाकू अड़ाकर मोबाइल और नकदी लूटकर फरार हो गए। आगरा महापौर नवीन जैन ने टोरेंट पावर कंपनी और गेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महापौर का कहना है कि टोरेंट पावर कंपनी नगर निगम की अनुमति के बिना काम कर रहा है और सड़कों को खोदकर ऐसे ही छोड़कर जा रहा है, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है।
राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना और मंत्रणा साहित्यिक संस्था ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें शहर के प्रमुख पत्रकारों का सम्मान किया गया। अनादि टीवी के उज्जैन संभाग के ब्यूरो राशिद खान को भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान किया गया। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है, जहां एक शासकीय कर्मचारी 10 लाख रुपए के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता रहा। नवीवाहिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग 10 लाख रुपए के लिए उसे परेशान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। यह ताजा मामला विजयनगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक गैरेज संचालक पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया और करीब 10,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए युवक को इलाज के लिए MY अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायगढ़ के लेलुंगा में स्थित राजपुर ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक निशंत भारती ने थाने में कैशियर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। शाखा प्रबंधक ने कैशियर पर धोखाधड़ी कर ग्राहक के खातों से राशि हड़पने का केस दर्ज किया है। ये मामला 13 लाख से भी ज्यादा के गबन का बताया जा रहा है। बीजेपी पर हताशा के आरोप लगाने वाले कमलनाथ पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये बयान उनकी हताशा और निराशा को दर्शाता है, लेकिन उनका अहंकार नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अधिकारी कर्मचारियों को धमकाना और चमकाना बंद करें। कहा कि कमलनाथ को सत्ता हाथ से चले जाने का दर्द है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस शारदा दिवस के रूप में इसे मना रही है। देशभर में कांग्रेस नेता उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इंदौर पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने इंदिरा गांधी की फोटो पर माल्यार्पण किया और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री को याद किया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने इंदिरा युग की याद दिलाते हुए कहा कि आवाज बंद करने का काम कांग्रेस करती है। जब लोगों ने इंदिरा गांधी के सामने आवाज उठाई तो उन्हें जेल भेजने का काम कांग्रेस ने किया। संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना कांग्रेस का काम है। उपचुनाव से पहले कमिश्नर नरेश पाल और ADG जनार्दन मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। अनुपूर पहुंचने के बाद उन्होंने मूलभूत सुविधाओं का जांचा, कोरोना संक्रमण से बचाव और सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना कर आवश्यक निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। इंदौर में लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर उन्हें याद किया गया। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। कांग्रेस, गुर्जर समाज और गुजराती समाज के लोगों ने पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कमलनाथ का नाम स्टार प्रचारकों की सूची से हटाए जाने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं चुनाव आयोग का सम्मान करता हूं और हमारी शिकायतों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई भी की है, लेकिन कमलनाथ का नाम स्टार प्रचारकों की सूची से हटाना अपने आप में आयोग के नियमों और कानून का खुला उल्लंघन है। यह अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। इंदौर में बेरोजगारी के साथ आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। ये मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का, जहां केसरबाग ब्रिज मालिक रोड स्थित SBI के ATM में दो अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ कर लूटने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर चांपा के अकलतरा से जहां ग्राम पंचायत बूची हल्दी के ग्रामीणों और पंचों ने सरपंच पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इन ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच वीरेंद्र सक्सेना मनमाने तरीके से तालाबों को मछली पालने के लिए फर्जी रसीद के माध्यम से दे रहे हैं और सरपंच को पद से हटाने की अब ये लोग मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा की जनता से भावुक अपील की। CM ने कहा कि प्रद्युमन लोधी सशरीर जनता के बीच नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनका मन और आत्मा जनता के साथ है। और इसी के साथ शिवराज सिंह ने प्रद्युमन लोधी के लिए वोट मांगने की अपील की। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रशासन पर निष्पक्षतापूर्ण चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाया है।
पटवारी ने कहा कि पोलिंग बूथ उसी जगह बनाए जा रहे हैं जहां पर आपत्ति है। संदिग्ध जगह पर पोलिंग बूथ बनाए जाने पर पटवारी ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन द्वारा पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासी संग्राम लगातार जारी है। कमलनाथ पर कार्रवाई के बाद बौखलाई कांग्रेस लगातार बीजेपी नेताओं की शिकायत कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के लीगल सेल प्रभारी जेपी धनोपिया के नेतृत्व में कांग्रेस का दल निर्वाचन आयोग पहुंचा और बीजेपी नेताओं के आपत्तिजनक बयानों को लेकर शिकायत की। देवास जिले के खातेगांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने एकता और अखंडता की शपथ दी। शपथ समारोह में मौजूद कर्मचारियों को एसडीएम संतोष तिवारी ने शपथ दिलाई। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून और फ्रांसीसी राष्ट्रपति की टिप्पणी को लेकर भोपाल में हुए प्रदर्शन पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कड़ी टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बिना इजाजत इस तरह की रैली निकालने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बड़वानी में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारी कर्मचारियों ने एकता अखंडता की शपथ ली। इसके बाद कार्यालय परिसर में श्रमदान कर सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर साइकिल रैली निकालने का ऐलान किया। खबर दतिया से, जहां भांडेर कस्बे की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के अनुसार गांव के ही दो दबंग युवक रात को घर से उठाकर उसे खेत में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जांजगीर चांपा पुलिस ने ग्रामीणों को धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसके कब्जे से धारदार हथियार जब्त किया है। बिरना थाना क्षेत्र के गतवा गांव में तूला राम साहू नामक युवक ने ग्रामीणों को धारदार हथियार से डराने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। सागर जिले के गढ़ाकोटा से, जहां सिंहपुर कला गांव में आपसी विवाद के चलते गोली चलने का मामला सामने आया है, जहां गोली एक वृद्ध के पैर में जा लगी। इसे गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। मामले में पीड़ित जानकी कुर्मी ने गांव के ही पूरन कुर्मी पर गोली मारने और उनके अन्य साथियों पर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। सांवेर उपचुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा निर्वाचन अधिकारी से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसियों पर हो रही कार्रवाई को लेकर विरोध दर्ज करवाया। चुनाव आयोग पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के विरोध में कांग्रेस के साथ पक्षपात का भी आरोप लगाया। हालांकि विवेक तनखा ने चुनाव पर्यवेक्षक से चर्चा के बाद संतुष्टि जाहिर की। टीकमगढ़ में बाहरी व्यापारियों को प्रदर्शनी लगाने की अनुमति देने से नाराज स्थानीय व्यापारियों ने चक्का जाम लगा दिया। व्यापारियों को कहना था कि कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते पहले से ही उनका व्यवसाय बंद है, अगर ठंड के सीजन में भी बाहरी व्यापारियों की प्रदर्शनी सज गई तो वो सड़क पर आ जाएंगे। मांधाता में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस महिला मंडल की सदस्यों ने विरोध किया और नारायण पटेल को गद्दार बताते हुए जमकर नारेबाजी की। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में ओमकारेश्वर में रोड शो कर रहे थे, जहां कांग्रेस के महिला मंडल के सदस्यों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। आगरा में एक महिला की दिनदहाड़े हत्या से सनसनी फैल गई है। रास्ते में जा रही महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिनदहाड़े हत्या का ये मामला थाना न्यू आगरा इलाके का है, जहां पर पैदल जा रही महिला की दो हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया और इस बीच गोली लगने से महिला की मौत हो गई। नालसा अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा राज्य की प्रथम ई मेगा कैंप सीरीज का प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने आज वर्चुअल शुभारंभ किया। कहा कि वंचितों को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ई मेगा विधिक सेवा कैंप एक अभिनव पहल। थाना बीजापुर और भैरमगढ़ क्षेत्र में साबनार, मुकापारा, उसपरी और डालेर से माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जगदलपुर में पाठ यात्रा का दशहरे पर्व के साथ समापन हुआ। शनिवार को दंतेवाड़ा की मावली माता और माई दंतेश्वरी की डोली को सम्मान के साथ विदा किया गया। ऐसे सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बेज, संसदीय सचिव विवेक चंद जैन, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप और कलेक्टर रजत बंसल दशहरा समिति के सदस्यों के साथ उपस्थित रहे। नवगांव में शांतिपूर्ण तरीके से ईद मिलाद नबी का जुलूस निकला। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर नवगांव में भी नमाज के बाद जामा मस्जिद से जुलूस शुरू होते हुए मुसाफिर खाना चौराहा, कोतवाली चौराहा, रामायण कंपनी चौराहा से बस स्टैंड और अंग्रेज मोहल्ला होते हुए कोठी चौराहा, ईशानगर चौराहे तक ईदगाह पर समापन हुआ। रायगढ़ के पास ग्राम बड़े डूमरपाली में शख्स के घर में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना के बाद कोई जनहानि तो नहीं हुई, पर घर का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। चक्रधर नगर के केलो विहार कॉलोनी में दो सगे भाइयों ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मिली जानकारी के अनुसार अविनाश और हरेकृष्ण चौधरी दोनों भाई मंदापाली कमनार के रहने वाले थे। आत्महत्या के कारण का पता अभी तक नहीं चल पाया। रायगढ़ नगर पालिका निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 25 कोहा कुंडा में नाली और सड़क बनाने के लिए वार्ड को चौड़ीकरण के लिए वार्डवासियों के घर को तोड़े जाने का नोटिस जारी किया गया था और इसी नोटिस के विरोध में और आपत्ति को लेकर शिकायत लेकर लोग निगम के महापौर के पास पहुंचे थे। वहीं महापौर ने तुरंत निर्णय लेते हुए जगह का निरीक्षण करने के बाद लोगों को आश्वासन दिया। रायगढ़ जिले में पंचायत में होने वाले मनरेगा के कामों के तहत रोजगार दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर भीम सिंह ने आवश्यक पहल करते हुए जिले के विभिन्न उद्योग संचालकों से बातचीत कर लगभग 400 लोगों को विभिन्न प्लांटों में नौकरी दिलवाई। इसके बाद जिले के प्रवासी मजदूरों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मुहैया हुआ। रायपुर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर विधानसभा सचिवालय में विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गिंगराड़े ने सुबह 11 बजे विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में वरिष्ठ अधिकारियों को शपथ दिलाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शुक्रवार को शाजापुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में शहर के युवक युवतियों ने स्थानीय बस स्टैंड परिसर में काली पट्टी बांधकर मौन रहकर हरियाणा में हुई निकिता तोमर की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया और साथ में ये संदेश भी दिया कि नारियों का अपमान विद्यार्थी परिषद कभी सहन नहीं करेगा। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजोत्सव पर 1 नवंबर को प्रदेश में स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किया जा रहा है। प्रथम चरण में राज्य में 52 इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जा रहे हैं।